वेलकम टू माई चैनल गाइज, आई एम आशुतोष झा एंड दिस इज माई चैनल बैक बेंचर्स मेंटर्स। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज हम देखने वाले हैं कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, कि कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने हमारी पिछली वीडियो में क्या देखा था कि वेक्टर्स को हम कैसे फिजिक्स में यूज़ करते हैं, लाइक पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करके या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वगैरह हमने देखे पिछली वीडियो में। यहाँ हम देखने वाले हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, फॉर लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस क्या होते हैं, जहाँ पे क्यू वन क्यू टू दोनों क्या हो, जीरो से बड़े हो। ठीक है, तो लाइक मतलब क्या, प्लस 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 ही होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, इसलिए मैंने बोला जीरो से बड़े। ठीक है, तो इसमें क्या है कि दो पॉइंट चार्ज है क्यू वन क्यू टू, ठीक है, और दोनों क्या है लाइक चार्ज है, एक जैसे है, तो दोनों क्या करेंगे रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो ये एफ वन फोर्स, एफ वन टू फोर्स इस तरह जो वन पे टू की वजह से लग रहा है, यानी कि जो फोर्स लग रहा है चार्ज क्यू वन पे क्यू टू की वजह से, ये एफ वन टू। एफ टू वन क्या है, जो क्यू टू पे लग रहा है क्यू वन की वजह से। ठीक है, फिर बात करते हैं आर वन टू की। तो आर वन टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वैक्टर फ्रॉम क्यू वन टू क्यू टू, क्यू वन से क्यू टू जाने में जो डिस्प्लेसमेंट लग रहा है ये उसका वैक्टर है। ठीक है, सेम टू वन क्या है, जो क्यू टू से क्यू वन आने में डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है वो होता है आर टू वन। और मैंने जैसा कल भी बताया था, जो हमारा यूनिट वैक्टर होता है उसको अपन कैसे डिनोट करते हैं, आई कैप जे कैप, ये जो कैप होता है ये यूनिट वैक्टर को डिनोट करता है। ठीक है, तो आर वन टू कैप क्या है, यूनिट वैक्टर अलॉन्ग आर वन टू वैक्टर, तो इस वैक्टर के अलॉन्ग आर कैप, ये क्या हमारा यूनिट वेक्टर है। तो अपन कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, अगर मैं बोलूं आर वन टू वैक्टर का मोड इज इक्वल टू क्या, आर टू वन का, तो ऑफकोर्स भाई यहां से यहां डिस्टेंस देखो या यहां से यहां है तो दोनों इक्वल ही, दोनों किसके इक्वल है आर के, मतलब जो दोनों का मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, तो यहां से मैं फोर्स निकाल सकता हूँ वन टू, वन टू मतलब जो वन पे लग रहा है टू की वजह से। ठीक है, ये क्या है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर डॉट यूनिट वैक्टर। यूनिट वैक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है, कि किस डायरेक्शन में हमारा वो फोर्स लग रहा है, किस एक्सिस पे लग रहा है। तो देखो क्या है, आर टू वन कैप यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एफ वन टू की बात कर रहा हूँ इस पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, टू वन की वजह से। ठीक है, तो इस कैप को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जैसा मैंने बताया था यूनिट वैक्टर जो होता है, अगर मैं कह रहा हूँ लाइक ए वैक्टर, ये किसके इक्वल होता है, सॉरी ए कैप होता है ए वैक्टर अपॉन में ए मोड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको वही कर दिया, जस्ट टू वन का वैक्टर करके अपॉन में आर इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये इक्वल ही तो है। ठीक है, तो यहाँ से हमें फोर्स मिल गया F12 और ये R मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ये फोर्स कौन सा आया, जो Q1 पे लग रहा है Q2 की वजह से। ठीक है, सेम हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे माइनस के क्यू वन और यहाँ पे R12, यहाँ अभी क्या बात कर रहे थे R21, ये क्या R12, और नेगेटिव साइन क्या बताता है, अपोजिट डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ बताता है कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो F12 क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर क्यूब, और ये R12 का क्या है, कैप, कैप एक्चुअली यहाँ पे कैप रहेगा, यहाँ पे वेक्टर होने पे आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ बात हुई किसकी, एफ वन टू की। तो हमने फोर्स क्यू वन पे बताया जो क्यू टू की वजह से लग रहा है, ये किस में, वेक्टर फॉर्म में। सेम करेंगे टू वन के लिए, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, सेम इसको हमने ऐसे सॉल्व करा, कैप कैप को चेंज करा किस में, मोड में यूनिट वेक्टर को, और एफ टू वन निकाल दिया। नेगेटिव साइन फिर से क्या बता रहा है कि डायरेक्शन अपोजिट है, जैसे मैंने यहाँ वन टू यूज करा लेकिन यहाँ पे टू वन, तो जब भी ये एक्चुअली क्या है, ये यूनिट वेक्टर अलोंग आर वन टू, अगर मैं यूनिट वेक्टर आर वन टू को अलोंग टू वन करता हूँ तो जस्ट नेगेटिव साइन लगा के मैं चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि नेगेटिव साइन क्या बताता है कि इसका डायरेक्शन अपोजिट है पिछले वाले से, उसका मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं। तो इससे क्या निकलेगा, एफ टू वन, एफ टू वन क्या आएगा वैक्टर, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर क्यूब डॉट आर टू वन वैक्टर। ठीक है, तो ये अभी हमने देखा किसके लिए, लाइक चार्जेस के लिए। अब हम आगे देखते हैं फॉर अनलाइक चार्जेस, तो हम बात करते हैं अनलाइक चार्जेस के बारे में। ठीक है, तो अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है, जब Q1 Q2 दोनों क्या है जीरो से कम आए, अनलाइक बोलते हो प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ऑफकोर्स ये जीरो से कम आएंगे, वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये सब तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये सब क्या था। अब हम क्या नेक्स्ट बात करते हैं, जब इसमें क्या होता है, जो Q1 है ये अनलाइक है, लाइक प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो फोर्स लग रहा है Q1 पे Q2 की वजह से, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में, R12 वेक्टर की तरफ। ठीक है, पिछले में किधर आ रहा था, R21 की तरफ आ रहा था, क्योंकि इस तरफ जा रहा था। ठीक है, और इस पे क्या लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है टू वन, जो Q1 की वजह से लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, किधर, R21 वेक्टर की तरफ। तो मैंने यहाँ वही करा, जब मैं फोर्स F12 निकाल रहा हूँ, क्या वन टू, तो ये क्या के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आ रहा है वन टू की डायरेक्शन में, पिछले में क्या था ये टू वन की डायरेक्शन में था। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ वन टू आएगा, क्यों आएगा, मैंने बताया क्योंकि फोर्स लग रहा है किधर, टू की तरफ, वन से टू की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो बाकी सब यहाँ पे सेम ही है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे करा क्या, इस कैप को यूनिट वेक्टर को मोड में चेंज कर दिया, वेक्टर और मोड में, मोड को मल्टीप्लाई कर दिया और वेक्टर को यानी जो डायरेक्शन है उसको अलग दिखा दिया, क्योंकि मेरा ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन है तभी तो ये वेक्टर है। ठीक है, यहाँ से हमारा एफ वन टू आ गया,
हम बात करते हैं किसकी, F12 को किस फॉर्म में, 2-1 की फॉर्म में। तो कुछ नहीं करना, माइनस साइन लगाना है। नेगेटिव साइन शो क्या करता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो वही है, बस डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो ये नेगेटिव साइन लगा दिया और सेम एनर्जी यहाँ पे शो कर दिया। F21 की बात करें, F21 में क्या हो रहा है, F21 में किधर लग रहा है फोर्स, R21 की तरफ। तो मैंने क्या करा, R21 का कैप लिखा है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को चेंज करेंगे वेक्टर अपॉन मोड, मोड से करा मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन किसने लगाया, जस्ट ये शो करने के डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ से F21 क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू वन क्यू टू बाई आर क्यू डॉट R12। ये जो अभी तक हमने पढ़ा, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं कूलम लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अपन कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे शो करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लग रही है तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।